हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लाया हूँ गाइस CPL 2024 के दोस्तों जो है फोर्थ मैच की मैच प्रेडिक्शन। और जो फोर्थ मुकाबला है ये खेला जाएगा एंटीगा एंड बर्मुडा फाल्कॉन्स वर्सेस बारबाडोस रॉयल्स के बीच। और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका सब विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगा वेस्ट इंडीज में। और ये मुकाबला 1 सितंबर की शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार खेला जाएगा। मैच में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना गाइस, डॉली बैटिंग न्यूज चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल में डाला करूँ, ज्वाइन हो जाया करो। क्योंकि मेरा ही चैनल है और सभी लोग को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग न्यूज चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है, तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन में प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग न्यूज चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग न्यूज चैनल में ज्वाइन नहीं होते हैं, तो प्लीज़ सॉल्यूशन ऑफ चैनल को भी लेफ्ट कर देना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सभी लोग को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ चैनल चैनल से। ठीक है गाइस, तो दोनों टीमों के प्लेयरों में डालूँ तो बारबाडोस रॉयल्स के पास जो प्लेयर है रकीम कॉनवेल, आपका एलिक एथानजी, रोमन पावल, जेसन होल्डर, ये बारबाडोस रॉयल्स के प्लेयर हैं, रिवाल्डो क्लार्क, ओबेन मकॉय, क्विंटन डीकॉक, डेविड मिला, महेश टिकशाना, नवीन उलहक जैसे प्लेयर हैं। वहीं अगर मैं एंटीगा एंड बर्मुडा फाल्कॉन्स की टीम में डालूँ तो उनके पास टी विशा, फखर जमान, के जैम, सेम बिलिंग्स, जे एंड्रू, फैबिन एलन, कैमरन ग्रीन, इमाद वसीम, शमा स्प्रिंगर, मोहम्मद आमिर, जिनकी खूब पिटाई हुई पिछले मैच में। ठीक है गाइस, तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ, पल्ला तो दोस्तों बिना किसी शक के बारबाडोस रॉयल्स का पल्ला भारी है। एक टीम जो है दो में से दोनों मुकाबले हारी है और एक टीम 5 में से 1 मुकाबले हारी है। ठीक है गाइस, तो इस दोनों टीमों के पिछले 2 मुकाबले में डालूँ तो अब ये नई टीम है गाइस, जमैका तलावेज की जगह आई है एंटीगा वाली टीम। तो 2 ही मुकाबले खेली है, दोनों हार गई है। और पिछले 10 मुकाबलों में बारबाडोस ने 10 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 165 रन का है एंटीगा का, 154 का है बारबाडोस का, 168 हाई स्कोर है एंटीगा फाल्कॉन्स का, 223 रन बारबाडोस का हाईएस्ट है बारबाडोस रॉयल्स का, 163 रन लोएस्ट है एंटीगा फाल्कॉन्स का, 61 रन बारबाडोस रॉयल्स का लोएस्ट है। इस ग्राउंड पे बात करूँ तो गाइस 2 मुकाबले खेले हैं एंटीगा फाल्कॉन्स ने, दोनों हारे हैं। इस ग्राउंड पे बारबाडोस रॉयल्स ने 1 मुकाबला खेला है, 1 हारा 1 जीता है। 165 रन एवरेज स्कोर है एंटीगा फाल्कॉन्स का इस ग्राउंड पे, 135 रन बारबाडोस रॉयल्स का एवरेज स्कोर है, 168 रन हाई स्कोर है एंटीगा का, 173 है बारबाडोस रॉयल्स का एवरेज स्कोर हाई स्कोर सॉरी 163 रन लोएस्ट स्कोर है एंटीगा का, 97 रन लोएस्ट स्कोर है बारबाडोस रॉयल्स का। तो गाइस टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राउंड पे, दोनों मुकाबले चेज हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप में चेज नहीं हो रहे थे पर अब चेज हो रहे हैं। 25% बारिश की संभावना है इस ग्राउंड पे। मैं अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो 140 रन का रहता है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर का जो है गाइस 132 रन का रहता है, हाइएस्ट टोटल जो है गाइस आपका सेंट लूसिया किंग्स का है। ठीक है गाइस, हाइएस्ट चेज जो है 175 रन का है गाइस। और सबसे कम रन डिफेंडेड जो है भाई 179 रन डिफेंड किए थे सेंट लूसिया ने। सेंट लूसिया यहाँ पे अच्छा खेल रही है, खेलती है इसका मतलब। इस ग्राउंड पे पिछले कुछ मुकाबले में नडालू एंटीगा फाल्कॉन्स ने बनाए थे 168 रन। गियाना अमेजन वॉरियर्स चेज कर गई थी आखिरी बॉल पे, पिटोरियस ने छक्का मारा था, एंटीगा फाल्कॉन्स ने बनाए थे 163 रन। सेंट किट्स जो है चेज कर गई थी, दोनों ही मुकाबले आखिरी बॉल तक गए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने बनाया, वेस्ट इंडीज ने बनाया थे 135, साउथ अफ्रीका 124 पे सिमट गई थी। तो डीएल मेथड पे था मैच ये। हाँ, वो जो साउथ अफ्रीका ने बाहर किया था वेस्ट इंडीज को, यहीं पे बाहर किया था। ठीक है, तो मैं अगर आपको अब प्लेइंग 11 पे ना डालू तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है दोनों टीमों की।
मैं आपको बताता चलूँ, बारबेडोस रॉयल्स की प्लेइंग 11 रकीम कॉनवेल ओपनिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ, एली कैथानजी नंबर 3, शमा ब्रुक्स नंबर 4, डेविड मिलर नंबर 5, रॉमिन पावर नंबर 6, जेसन होल्डर नंबर 7, केशव महाराज नंबर 8, महेश टिक्षणा नंबर 9, ओपन मकवाय नंबर 10, रिमोन साइमन नंबर 11। इस टीम की बल्लेबाजी ठीक ठाक है पर गेंदबाजी थोड़ी सी खराब है। अब अगर मैं एंटीका की टीम में डालूँ, फखर जमान ओपनिंग करेंगे टेडी बिशप के साथ, कोफी जेम्स नंबर 3, सैम बिलिंग्स नंबर 4, ज्वेल एंड्रू नंबर 5, इमाद वसीम नंबर 6, फेविन एलन नंबर 7, क्रिस ग्रीन नंबर 8, रॉबिन प्राइमस नंबर 9, शमास स्प्रिंगर नंबर 10, मोहम्मद आमिर नंबर 11। इस टीम की बॉलिंग ठीक है पर बैटिंग में सिर्फ फखर जमान है और सैम बिलिंग्स है, अगर ये दोनों जिस दिन आउट हो गए दिक्कत में आ जाएगी टीम। ठीक है गाइस, तो अब आइए मैं इस ग्राउंड पे कितने सेशंस बनते हैं उस पर नजर डालता हूँ। तो सेशंस जो है गाइस यहाँ पे 6 ओवर में पहली पारी में बनते हैं 46, दूसरी पारी में बनते हैं 48, 10 ओवर में पहली पारी में 74, दूसरी पारी में बनते हैं 81, 15 ओवर में पहली पारी में 108, दूसरी पारी में 112, 20 ओवर में पहली पारी में 163, दूसरी पारी में 164। ठीक है, तो ये था सेशन की बात है। तो जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको उस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, और एक एक कंपनी के मैसेजेस यार। तो यार 164 रन, तो गाइस सेशन जो है ये सेशन बनते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ करना कि आपको जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही आप सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे आपको वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बैटिंग चैनल में भी जरूर ज्वाइन होना है। एक बार के लिए आप सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होगी चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना है। एक बार ध्यान रखना गाइस, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे चैनल सॉल्यूशन ऑफ चैनल के नाम पर और मेरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल के नाम पर, तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे आप वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है। ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी बारबाडोस रॉयल्स होगी वो टीम, पर गाइस मुकाबला बहुत अच्छा होगा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइनल प्रेडिक्शन टॉस के बाद आएगी। ठीक है, क्योंकि एंटीगा भी जो है इस ग्राउंड पे 2 मैच खेली है, वैसे तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैच विनर बारबाडोस होगी, पर फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे टॉस के बाद दूंगा गाइस। ठीक है, टॉस से पहले प्रेडिक्शन नहीं आएगी, टॉस के बाद आएगी फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे, तो लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम में। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।